भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए पूरे देश में धन संग्रह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा की अध्यक्षता में मोटरसाइकिल यात्रा निकाला गया। यह यात्रा शुभंकरपुर के राजा राम धनी मंदिर से निकलकर नवटोलिया, बाजितपुर, बद्रीनाथ मंदिर, नावघाट होते हुए पुनः वापस मंदिर प्रांगण में आया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि मिथिला से अधिक धन संग्रह हो, इसी को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। का उद्देश्य क्या है? सैकड़ों वर्ष के लगातार संघर्ष, तपस्या और बलिदान के बाद, हजारों संतों और साधुओं के बलिदान के बाद, आज समस्त देशवासियों के लिए यह गौरव का विषय हुआ है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां शिलान्यास किया है। वहां भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उस निधि समर्पण अभियान को गति देने के लिए, बल देने के लिए हम सभी शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर, बागमती उपनगर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथी और सभी हिंदू धर्मावलंबी युवा साथी राम भक्तगण अपने गांव में बाबा राजा राम धनी मंदिर से हम लोग जन जागरूकता के लिए एक मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं कि हम सभी पूरे गांव में घूमकर पूरे क्षेत्र में निधि समर्पण अभियान के लिए लोगों को जागरूक करके करेंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में और अधिक से अधिक धन समर्पण करके अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के प्रति हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से भी अधिक से अधिक इसकी सहभागिता हो। इसके लिए हम सभी साथी अभी इस रैली के माध्यम से, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से निकल रहे हैं। सर, अभी जो राम मंदिर के लिए चंदा जो चल रहा है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं चंदा गलत तरह से काटते हैं, तो आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे कि यह समर्पण अभियान चल रहा है, इसे चंदा न कहा जाए। नहीं, और जो भी आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से काट रहे हैं, तो देश में एक हवा चली है कि भगवान राम के नाम से कोई काम हो, हिंदुत्व के नाम से कोई काम हो, तो विरोधी लोग उसमें कुछ ना कुछ विरोधाभास निकाल ही लेते हैं। लेकिन हम जहां से देख रहे हैं, इस विकराल ठंड के समय में भी देश के करोड़ों करोड़ राम भक्त सुबह 6-7 बजे से ही निरंतर अपने अपने क्षेत्र में समर्पण निधि के लिए लगातार प्रयासरत हैं। यह विरोधियों के द्वारा रचा जा रहा एक साजिश है, जिसका सजा राम भगवान अभी तक तो दे दिए हैं। विपक्ष कहाँ है देश में देख रहे हैं, और अभी नहीं सुधर रहे तो आगे कहाँ जाएंगे कि भगवान राम पर ही हम लोग छोड़ते हैं। अच्छा, राम जी का वहाँ मंदिर निर्माण कार्य है, कितने वर्षों में ये लगेगा पूर्ण होने में? अति शीघ्र यह मंदिर, भव्य और दिव्य मंदिर, बहुत जल्द से जल्द बनकर देशवासी पूरे विश्व के लिए यहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा समर्पित किया जाएगा। और हम कह सकते हैं कि 1-2 साल के अंदर में दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, और यहाँ विदेशों से लोग अयोध्या घूमने के लिए भारत देश में आएंगे। अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण करके वहाँ पर अपने आस्था को अपने मजबूत करेंगे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हम लोग जिस स्थान पे हैं, ये मिथिला है, कहने के सीता जी का है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम सभी जितने भी राम भक्त हैं, जितने भी हिंदू धर्मावलंबी लोग, युवा साथी लगे हुए हैं, उनका यह प्रयास है कि पूरे देश से जो समर्पण निधि जाएगा उसमें, और मिथिला क्षेत्र से जो समर्पण निधि जाएगा उसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि यह श्री राम भगवान का ससुराल है, वो हमारे पाहुन हैं, मेहमान हैं, तो हम लोगों का यह प्रयास है कि उनके ससुराल से अधिक संख्या में निधि समर्पण जाए, और देश में सबसे ज़्यादा मिथिला क्षेत्र से यह समर्पण निधि जाए। यह हम सब लोगों का प्रयास है, और बाकी तो जो प्रभु श्री राम की माया होगी वही होगी। जय जय सियाराम।